भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर को पिछले फाइनलिस्ट इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मुकाबले से होगा और फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा। पहली बार वर्ल्ड कप पूरी तरह भारत में हो रहा है, ऐसे में भारत के पास 2011 की तरह घर में खिताब जीतने का मौका है। ऐसे में इस बार भारतीय टीम से फैंस को बड़ी उम्मीदें हैं। वैसे भी पिछले तीनों विश्व कप मेजबान टीम ने जीते हैं। साल 2011 में भारत, 2015 में ऑस्ट्रेलिया और 2019 में इंग्लैंड चैंपियन बना था। ऐसे में भारत की खिताबी हैट्रिक की उम्मीद पारी है। टीम इंडिया अपने 9 लीग मैच 9 शहरों में खेलेगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान जैसी वनडे की धाकड़ टीमों से निपटने के लिए चक्रव्यूह तैयार किया है। हर टीम की खामी और खूबी को देखते हुए ऐसे वेन्यू तैयार किए गए हैं जहां टीम इंडिया विपक्षी पर हावी हो सकती है, लेकिन इस चक्रव्यूह में टीम इंडिया खुद भी फंस सकती है। कम से कम 3 वेन्यू तो ऐसे हैं जहां के पिछले रिकॉर्ड्स और पिच का मिजाज ऐसा है जो भारतीय टीम को मुश्किल में डाल सकता है। ये वेन्यू कौन से हैं और भारत की कौन सी टीमें खतरा बन सकती हैं, आइए जानते हैं। भारत अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा। ऑस्ट्रेलिया 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। साल 2021 में उसने T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। ऐसे में भारत के लिए कंगारू टीम खतरा बन सकती है। इसकी वजह चेन्नई में टीम इंडिया का रिकॉर्ड और वहां का विकेट भी है। चेन्नई के चेपॉक की पिच हमेशा से ही स्पिन गेंदबाजों की मददगार रही है, यानी टीम इंडिया का पड़ला यहां पर भारी रह सकता है क्योंकि भारत के पास यहां की कंडीशन का फायदा उठाने वाले स्पिनर हैं। लेकिन यही बात भारत के लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि चेपॉक में पिछला वनडे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच इसी साल मार्च में खेला गया था और वो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 21 रन से जीत लिया था, जहां पर एडम जंपा और एस्टन एगर ने कुल मिलाकर 6 विकेट भी लिए थे। यानी ऑस्ट्रेलिया को घेरने के लिए जो चक्रव्यूह टीम इंडिया ने तैयार किया है उसमें भारत उल्टा ही फंसता नजर आ सकता है। आपको बता दें कि चेन्नई में भारत पिछले 5 में से 2 ही वनडे मैच जीता है। इस दौरान वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने उसे हराया भी है। यानी जिस सोच और रणनीति के साथ चेन्नई को भारत ऑस्ट्रेलिया के वेन्यू के लिए चुना गया है वो दांव भारत पर उल्टा पड़ सकता है। भारत को वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना मैच धर्मशाला में खेलना है। ये मुकाबला 22 अक्टूबर को खेला जाएगा। धर्मशाला में पिछला वनडे 2017 में खेला गया था और उस मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को बुरी तरह से हरा दिया था। भारत के टॉप 5 बल्लेबाज सिर्फ 13 रन ही जड़ पाए थे और पूरी टीम श्रीलंकाई पेस अटैक के आगे बेबस नजर आई थी और मात्र 112 रन पर ही ढेर हो गई थी। उस मैच में श्रीलंका के तेज गेंदबाजों ने 10 में से 9 विकेट लिए थे। यानी धर्मशाला में तेज गेंदबाजों की बल्ले बल्ले रह सकती है। आपको बता दें कि यहां की पिच पर उछाल और तेजी रहती है जो न्यूजीलैंड के पेसर्स को रास आएगी। आपको बता दें कि इसी साल 5 अक्टूबर में वनडे विश्व कप का आगाज होने वाला है। टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ 15 अक्टूबर को अहम मैच खेलना है। अहमदाबाद कुल 5 मैचों की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट की शुरुआत अहमदाबाद में होगी जहां इंग्लैंड का सामना न्यूजीलैंड से होगा। ग्रुप स्टेज में भारत इस स्थान पर पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच खेलेगा। 19 नवंबर को होने वाला ICC विश्व कप 2023 का फाइनल भी इसी वेन्यू पर आयोजित किया जाएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।